ये हमारी बाइक जो अभी हम लोग लेके जा रहे हैं, एक बाइक ये रही, एक बुलेट ये ले रखी है हम लोगों ने, और एक हायाबुसा भाई ने ले ली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं उठ गया हूँ और टाइम हो रहा है 8 बज गए, और मैं आपको अभी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो वेदर कितना ब्यूटीफुल हो रहा है, अभी क्लाउड्स नीचे ही है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर होटल में अवेलेबल। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर अवेलेबल है पराठा, चाय, और मेरा भाई शुभम खा रहा है इडली। लौंडा सीधा है, देखो इडली भाई, ये भाई इडली और दलिया, इडली का और भटूरा आ जाए, भटूरा नहीं। सो हम लोगों ने लिया है भटूरा और चाय। ये जो मीठा है इसने बहुत मीठा डाला है। सच में डाला है क्या? नहीं, नहीं नहीं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया डन। हमने ब्रेकफास्ट में भटूरे खाए हैं, दलिया खाया और पराठे खाए हैं। कुल मिला के मज़ा मुझे किसी भी चीज़ में नहीं आया। ये मीठा है तो इसे दलिया में मज़ा आ गया। तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आया भाई? इस बार ये भी भाई मीठा है तो इसको भी दलिया में मज़ा आया है और मीठा था। तो अभी हम लोगों का प्लान है बेसिकली किलोंग निकलने का। तो अभी बज रहे हैं 9 और 10 बजे तक नहा धो के चेकआउट करते हैं। सामान भाई के रूम में फेंक देंगे अभी, क्योंकि अभी ऐसा सच कुछ प्लान नहीं है कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। तो सामान भाई के रूम में फेंक के और फिर निकलेंगे बुलेट लेने। अब बुलेट लेते हैं, हिमालयन लेते हैं, अभी कुछ है नहीं कन्फर्म। तो कन्फर्म देखते हैं अभी कि क्या करते हैं, वहाँ जाएंगे एक बार चलाएंगे, ट्रायल लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या लेते हैं। और अभी आप अगर मेरे पीछे का नज़ारा देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सही वेदर हो रहा है, लेकिन मुझे अभी आगे जाके लग रहा है ऐसा कि हो सकता है बारिश हो जाए। अब आई डोंट नो, बारिश होगी तो वो भी देखा जाएगा, कुछ कर सकते नहीं है उसमें। ऑल दो मतलब अब कोई ज़्यादा चिल तो वेदर है नहीं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं, आई थिंक 26-27 के आसपास होगा। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा है। मैं आपको ना इसके पीछे की फटस दिखाता हूँ। वेदर हो रहा है, जो क्लाउड्स हैं उन्होंने बेसिकली माउंटेन को कवर किया हुआ है। अगर आपको भी दिख रहा होगा, और जो क्लाउड की टॉप वाली जो पोर्शन है बेसिकली वो अभी कवर नहीं हुआ है, वो हल्का सा रह गया है। कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पाएगा जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बट ऑल दो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको दिखा पाऊँ क्या सिचुएशन है, कैसा है। बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, इसकी पिक्चर मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, सो दैट आपको ना क्लियरिटी आ पाए कि कैसा दिख रहा है ये। चल गया था तेरा कैसे? अंडे भरे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी आता होगा, पॉट में थोड़ी आता होगा गर्म पानी। अरे मेरे में आ गया था हैंड्स में गर्म पानी। बिलाया नहीं, बट यार उन्होंने उससे थोड़ी कनेक्ट किया होगा। अरे एक बार आया था, उसके बाद हो सकता है कहीं किया हो कुछ। ठीक है ना भाई, वो वेलकम, वो था उनका वेलकम ड्रिंक के साथ। ठीक है ना, या दही लगा दूं? वेलकम स्प्रे था वो, याद रहेंगे ना हम यहाँ पर रुके थे भाई। पर एक बात बोलूं, रेटिंग में अगर तुमने ना भसड़ मचाई तो अच्छी बात होगी, नहीं पेल के रेटिंग करना, मोहब्बत वाली रेटिंग। सही बोल रहा हूँ ना? इनकी आपके लॉन्ग नहीं जाना चाहते। तो ये जो सामने का आप होटल देख रहे हैं ना, योगेश भाई को ना यहाँ पे मतलब ये होटल बहुत पसंद आया। कह रहे हैं यार अगर प्रॉपर्टी हो तो ऐसी हो, ऐसा ही होटल में एक बनाना चाहता हूँ। है योगेश भाई, क्या कहना चाहते हो? यही होटल चाहिए? मैं नहीं बनाऊंगा, अंदर से लोग गाली देते हैं। जैसे आप दे रहे थे भाई, क्या कह रहे हो? मैं भी सोच रहा हूँ आज एक दिन तो एक्सटेंड कर ही लूं। एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, पे चलते हैं। अबे अब मेरा मूड खराब हो गया, अब मैं नहीं भैया। हाँ भाई, तुमने होटल इसीलिए लिया था क्या? अरे रहने तो, तुम्हें सब पता था, उसमें लिखा हुआ होगा ना कि सामने नजारे बहुत अच्छे हैं ना। सामने भाई इन्होंने व्यू दिखा रखा था कि ये बहुत बड़ा है, मजे आ गए तुम्हारे। कितना बड़ा है? लोटलेस में। पहले हमारा प्लान था ये होटल चेकआउट करने का। अभी ये जो भाई है ये हमसे बोल रहा है कि भैया यहाँ से मत जाओ, ठीक है मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे नज़ारे दिख रहे हैं, आपको भी दिखाऊंगा। तो हम लोगों ने एक दिन का एक्सटेंड कर दिया है। योगेश भाई को भी ये रूम ज़्यादा पसंद आया है, योगेश भाई भी चाहते हैं एक दिन एक्सटेंड करना।
इनफैक्ट योगेश भाई तो केलोंग जाना ही नहीं चाहते, वो कह रहे हैं मैं थक चुका हूँ, मेरा शरीर टूट रहा है, बहन जो 24 घंटे में तुम मनाली लाए हो, केलोंग तुम 25 घंटे में लेके जाओगे। नींद नहीं हुई क्या पूरी? नींद पूरी भाई की हुई नहीं है, नींद पूरी तो हुई, नींद पूरी है ना, फिर चल लेगा ना बस ठीक है। केलोंग ये हमारा होटल है जिसमें आज हमने स्टे किया है, ये बेसिकली ये यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है और ये पूरी प्रॉपर्टी है होटल की। होटल तो नो डाउट बहुत सुंदर बनाया हुआ है बट मैनेजमेंट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होटल है। आप देखोगे ये रहा होटल का बोर्ड, ये एंट्री, ये मनाली मॉल रोड से करीब 3 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। होटल तो मतलब नो डाउट बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू है। लोग मतलब अगर आप पानी बोलोगे 4 बार आएगा, खाना बोलोगे 4 बार में आएगा, तो ये थोड़ा सा इशू है। और भाई यहाँ पे कल डिसेंसी होती है बात करने की, हाँ अकड़ते होता है, ऐसा लगता है जैसे हमें फ्री में दे रखा है। ये दो लौंडे देख रहे हो आप, ये दो लौंडे ये हरामी है, इन्होंने हमें लग्जरी रूम बता के ना ये नीचे फंसवा दिया है और खुद लग्जरी रूम में रह रहे। देख लो ये कॉमन एरिया है, अरे कॉमन एरिया। तुम्हारा कौन सा है? ओ बेटे लोग जा रहे हैं, जो दो भाई हमें बस में मिले थे शुभम और आदित्य, उनका रूम देखने, क्योंकि वही हमें इस होटल में लाए थे और उनके अकॉर्डिंग ये होटल बेस्ट इन क्लास था। नो डाउट होटल ठीक है, प्राइस वाइज भी ठीक है, बट इशू सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट और इनके साथ है। वैसा ही रूम है यार, कुछ मतलब स्पेशल तो है नहीं। अरे वो मजाक कर रहा है यार। इनका रूम भाई इससे तो हमारा ज्यादा अच्छा है, कम से कम व्यू हमारे में केड़ा है, ये क्या कोई झाड़ झंकार थोड़ी देखने लाए हम। डीलक्स है तो डीलक्स है भाई, कैडा डीलक्स है। ओ डीलक्स तो बेसिक रूम डीलक्स है, उसके बाद लग्जरी उसके बाद सुपर लग्जरी। नहीं ये वाला एरिया सही था मुझे भाई, देख रहा है यहाँ से इनके में व्यू ज्यादा है भाई। आज प्लान वॉज टू चेक आउट, बट अभी क्या है थोड़ा सा चेंजेस है प्लान में, हम लोग सोच रहे हैं होटल को एक दिन के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं, कल यहाँ से चेकआउट करेंगे क्योंकि हो जाएगा ना अभी, तो अभी जो रिसेप्शन से वो कंफर्मेशन लेते थे, अभी कंफर्मेशन उन्होंने ले लिया, तो हम एक दिन के लिए अभी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद फिर आज का प्लान आप लोगों को बताया हुआ है, आज निकलते हैं हम केलोंग, केलोंग जाएंगे, केलोंग के बाद जाएंगे रोहतांग पास और फिर देखेंगे आगे का क्या रहता है, कैसी वेदर कंडीशन रहती है दिखाएंगे आपको। तो अभी मैं आ गया हूँ होटल के रूम में, तो पेमेंट करते हैं जो 1100 का मैंने आपको बताया था रूम पड़ा था हमें इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो अभी पेमेंट करेंगे फिर यहाँ से निकलते हैं नहा धो के और हिमालयन या बुलेट में से कुछ लेंगे देखते हैं। तो अभी नहा धो के मैं तो निपट गया हूँ, कार्तिक भाई का नहाना बचा है अभी और योगेश भाई नहाने गए हुआ है, तो अभी नहाने के बाद प्लान ये है कि हम जाएंगे मॉल रोड के बाद जाएंगे जो भी जहाँ पर भी हमें बुलेट और स्कूटी अवेलेबल मिल जाएगी वहाँ से बुलेट और स्कूटी लेंगे, क्योंकि कार्तिक भाई को स्कूटी लेनी है और जो ऊपर भाई हैं वो हिमालयन लेंगे और मैं भी सोच रहा हूँ कि हिमालयन ही मैं ले लूँगा और उसके बाद फिर निकलेंगे केलोंग है यहाँ से करीब 76 किलोमीटर और हमें कुछ ज़्यादा रूट का आइडिया तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जाना तो है, तो देखते हैं कैसा रहता है और आपको भी दिखाते हैं। तो तैयारी पूरी हो गई है और ये है अपने सौरभ तिवारी भाई, ये डायरेक्टली हमें मतलब वॉल्वो में मिले थे, हमने इन्हें डर लिया है, अभी हम एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं सौरभ तिवारी नहीं हूँ, पर आप देख लो सौरभ तिवारी भाई है नहीं है। और ये योगेश भाई, इसे देखो सबसे ज्यादा चिंता है बेंचो कोरोना की, मास्क लगा के घूम रहा है, ये भी है लौंडा। खैर ये तो चलो इसे क्या बोलूं, ये मेरी बहू के घर के पास का छोड़ो, ये अपना भाई शुभम, ये आज चलाएगा शादी का बुलेट, तो तैयारी अभी पूरी है, निकलते हैं बुलेट लेते हैं फिर उसके बाद आगे आपसे मिलेंगे। तो टाइम हो रहा है 11 और अभी हम लोग निकल गए, मैं सौरभ तिवारी भाई, शुभम भाई और योगेश भाई और मैं, यार अभी तो नाम भी याद नहीं कर पा रहा उस भाई का नाम है आदित्य,
तो अभी जा रहे हैं हम लोग मॉल रोड, विच इज 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो अभी हम लोग जाएंगे मॉल रोड, मॉल रोड से लेंगे बुलेट। हम लोगों ने 2 बुलेट और 1 स्कूटी बुक की हुई है, वहाँ से बुलेट लेंगे, स्कूटी लेंगे और फिर अभी हम लोगों का प्लान है केलोंग जाने का। तो पहले केलोंग जाएंगे अटल टनल होते हुए और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आई थिंक रोहतांग पास के लिए। देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, दोबारा यहीं से ले आए। वेदर कंडीशन ठीक है, एज सच कोई इशू है नहीं। अभी कैडी वाली धूप निकली हुई है, हो सकता है आगे जाके वेदर कंडीशन ख़राब हो, तो वी आर नॉट श्योर। बाकी तो अभी देखेंगे जैसी जैसी वेदर कंडीशन आएगी। और ये सौरभ तिवारी भाई किसी को कह रहे हैं ओ पोसड़ी के, अरे मेरा लौड़ा एक ही रास्ता, इधर से चलो यार। हाँ कुल मिला के हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने जंगल में बनाया हुआ है, इसका नाम है समसा ब्लेज। और ब्लेज भी बड़ा खूबसूरत है, कैडे कैडे घर बना रखे इन लोगों ने यहाँ पे, और सही सा मतलब नज़ारा तो सही है, कैडा नज़ारा है। तो अभी हम जाएंगे, तो फिलहाल अभी आगे हमारी एक छोटी गंगा है, उसमें हमें तैरते हुए जाना है, तो मुझे ब्लॉगिंग थोड़ी बंद करनी पड़ेगी। लाओ मैं आपको छोटी गंगा दिखाता हूँ। ये है बेसिकली छोटी गंगा, यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना एडवेंचरस ट्रिप है हमारा, शुरुआत ही हमारी यहाँ से हुई है। सारा जूत तो कुल मिला के हमने जो मुश्किल थी वो पार, तो थोड़ी सी मुश्किल हुई हमें, लेकिन हमने कुल मिला के पार कर लिया है। अब जा रहे हैं, निकल गए, देखते हैं आगे, बुलेट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है प्रोसीजर। तो हम लोगों ने जो बुलेट बुक की है वो 900 रुपीज़ की है पर डे के हिसाब से, और जो स्कूटी है वो 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। इसके अलावा जो उन्होंने हमसे सिक्योरिटी चार्ज लेना है वो लेना है 1000 रुपीज़। अब कंडीशन क्या है, कैसी मिलेगी बुलेट, वो सब आपको वहाँ चल कर ही दिखाते हैं। फिलहाल तो पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, रिवर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये माल रोड से पहले ही 3 किलोमीटर पहले पड़ती है, और अभी आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है, एक नंबर। पूरा स्काई ब्लू है, उस पर छोटे छोटे क्लाउड्स, माउंटेन्स, और उसके बाद ये वाटरफॉल, कमाल है यार, कमाल। अभी प्लानिंग ये है कि हम लोग पैदल नहीं जा रहे हैं, हम लोग लेंगे ऑटो, और ऑटो लेने के बाद पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे और वहां से बाइक पिकअप करते हैं। धूप बहुत तेज है गाइस, और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल रोड, और यहां से जो जहां से हमें बुलेट लेनी है, ये 350 मीटर्स बेसिकली अभी दिखा रहा है। तो अभी मूव कर रहे हैं, आगे जा नहीं सकते थे, बहुत घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ऑटो वहीं पर ही ड्रॉप कर दिया मॉल रोड पे, और अभी निकाल ले गए। अभी मैं मॉल रोड पर हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा सीन ये है कि यहाँ शायद मास्क नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारे लोग यहाँ पे मास्क में हैं। और ये जो मेरे पीछे मंदिर है, ये दुर्गा माता का एक मंदिर है जो मॉल रोड पर है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। सो अभी हम लोग बेसिकली पहुंच चुके हैं, ये है स्टोर जहाँ से अभी हम ले रहे हैं, और भाई का नाम, भाई के जो बेसिकली स्टोर का नाम है वो है टू व्हील हिमालयस। हमने यहाँ से ही अभी ये रेंट पर लिए। तो ये जो स्कूटी आप देख रहे हो, ये स्कूटी अभी हम लोग बाय कर रहे हैं, और अभी बुलेट हमारी आ रही है। ये मॉल रोड पे HDFC बैंक के पास पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको साइकिल्स वगैरह भी चाहिए होती है तो वो भी अवेलेबल है। सो ये है स्टोर बेसिकली, जाते हैं किलों के यहाँ ले चले जाते हैं। ये बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जो हम लोगों को पूरी करनी है अभी, इसके बाद अभी हमारी बुलेट रेडी होने गई है ना भाई। आपका नाम क्या भाई? अमित भाई से हमारी बात हुई थी, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो अभी सबको फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म भरना है ना, एक ही नाम लिखते हैं जो चलाने वाले हैं। 9582
ये हमारी बाइक जो अभी हम लोग लेके जा रहे हैं, एक बाइक ये रही, एक बुलेट ये ले रखी है हम लोगों ने, और एक हायाबूसा भाई ने ले लिया अभी। भाई हायाबूसा, ए यार पता है क्या लग रहा है बहन चो, भैंस के भाई, ये तो वाली बात हो गई, सांड के नीचे बकरी, गलत बात। तो ये बुलेट है, अभी शुरू करते हैं फिर आपको। वो एक बार बुलेट की वीडियो बनाने के लिए बोला है, सो दैट अगर कोई डैमेज होता है तो वो हम पे ही पड़ेगा। तो एक बार हम बना रहे हैं, तो वीडियो बन चुकी है। सो अभी हम लोगों ने बुलेट ले लिए, ये बुलेट हमारी रही, हाँ हाँ हमने ये बुलेट ले ली है। योगेश भाई सब लोग रेडी हैं और अब लोग हम लोग निकल रहे हैं किलोंग के लिए। सो अभी आपको रास्ते में दिखाते रहेंगे क्या है, कैसा है वेदर, कैसी सिचुएशन है, सब कुछ शो करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं।